वेलकम टू द क्लास चिल्ड्रन. आज क्लास 6 कंप्यूटर साइंस देख रहे हैं और चैप्टर 4 देखने वाले हैं. ये चैप्टर 4 है विंडोज 10. उसमें से सेशन 1 मीडिया प्लेयर्स के बारे में देख रहे हैं. हम लोग आज देखेंगे कि मीडिया प्लेयर्स कौन सा पॉपुलर है, विंडोज 10 पे कैसे यूज कर सकते हैं. मीडिया प्लेयर का मतलब क्या है, मीडिया का मतलब क्या है. मीडिया का मतलब है वीडियो, ऑडियो, है ना, या फिर वीडियो और ऑडियो, ये इसे कहते हैं मीडिया. सो अभी जो फाइल्स हमारे पास वीडियो में है या ऑडियो में है, उसे प्ले करने के लिए, उसे रन करने के लिए हमें अलग सॉफ्टवेयर चाहिए. ओके, सो सॉफ्टवेयर के साथ ही वो प्ले होगा. सो आज हम देखने वाले हैं कितने सारे मीडिया प्लेयर्स हैं और विंडोज 10 के साथ किस किस को इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे. ऑलराइट, सो अभी देखेंगे ये कितना लिस्ट है इसका. मीडिया प्लेयर्स यूज्ड इन विंडोज. ओके, मीडिया प्लेयर्स यूज्ड इन विंडोज. अभी ये तो स्पेसिफिक टू विंडोज 10 है, ये तो स्पेसिफिक टू विंडोज 10 है. ओके, इज दैट क्लियर. ऑलराइट, सो अभी देखो इसमें तो पहला वाला है VLC, इसका नाम है VLC. दूसरा वाला है पॉट प्लेयर, दूसरा नाम है पॉट प्लेयर. और तीसरा है मीडिया प्लेयर क्लासिक. तीसरा वाला है मीडिया प्लेयर क्लासिक. सो आप देखते हैं VLC प्लेयर, ये तो आप देख चुके होंगे. इसका आइकॉन तो ऐसे ही रहेगा, एक कोन जैसे, एक ऑरेंज एंड व्हाइट कोन के जैसे रहेगा और आइकॉन ऐसे रहेगा. देखो ये बहुत ही पॉपुलर मीडिया प्लेयर है. आपको जो ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल प्ले करना है ये इससे कहते हैं कर सकते हैं. ओके, सो बहुत ही पॉपुलर है. फर्स्ट थिंग, पॉपुलर माने बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं. ये तो मोर देन 5106 लाइक्स लिया था. ओके, और मोर देन 3 मिलियन पीपल यूज कर रहे हैं इसे. ओके, इज दैट क्लियर. मोर देन 3 मिलियन पीपल इसे यूज कर रहे हैं. ये तो फर्स्ट रैंकिंग पे है, ये मीडिया प्लेयर तो फर्स्ट रैंकिंग पे है. और देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और पावरफुल है. कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है चिल्ड्रन, कॉम्प्लेक्स का मतलब है इसका वर्क प्रोसेस जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. हमें समझ नहीं सकता है कि हाँ कैसे ये सॉफ्टवेयर को डिजाइन किए हैं. कॉम्प्लेक्स का मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा कि कैसे ये वीडियो को प्ले कर रहा है. ओके, सो बहुत कॉम्प्लेक्स है और पावरफुल भी है. पावरफुल का माने यू इट कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ एंड एनी हैवी फाइल्स. ओके, पावरफुल भी है. और ये इसे बताते हैं ऑल इन वन सोल्यूशन. इसका मतलब है सभी प्लेयर्स, ऑडियो प्ले करना है, वीडियो प्ले करना है, ऑडियो वीडियो प्ले करना है, सबका एक ही सोल्यूशन है VLC प्लेयर. ओके, और देखो नेक्स्ट ऑप्शन इज एडवांस्ड ऑप्शंस दैट कैन बी कस्टमाइज्ड. ये तो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं. कस्टमाइज का मतलब हमें जैसे चाहिए वैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोचो कि बाई डिफॉल्ट मुझे तो वॉल्यूम ऐसे ही रहना है, ओनली 20 पे रहना है, उससे ज्यादा नहीं जाना है. सो सॉफ्टवेयर के अंदर जाके हम लोग उसे डिफॉल्ट सेटिंग चेंज कर सकते हैं. सो क्या कर रहे हैं हम लोग सॉफ्टवेयर को ही बदल रहे हैं. सो सॉफ्टवेयर को बदलने से क्या होगा, वो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होगा. ओके, और ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इंस्टॉल कर सकते हो या आपको ओपन सोर्स भी मिलता है. ओपन सोर्स का मतलब है जो प्रोग्राम से ये बना हुआ है, जो प्रोग्राम से ये VLC प्लेयर बना हुआ है, वो प्रोग्राम से, वो कोडिंग से हमें मिल जाता है. तब कोडिंग से मिलेगा तो क्या क्या फायदा पड़ता है हम लोगों को. यू कैन चेंज द कोड, कोड को बदल सकते हो. कोड बदलने से क्या होगा, हमारा नया सॉफ्टवेयर जो हमें हमारे फीचर्स के हिसाब से चाहिए वो मिल जाता है हम लोग को. ऑलराइट, सो ये है मोस्ट पॉपुलर. रैंक टॉप, टॉप का मतलब है फर्स्ट रैंक पे है वो. ओके, कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल. पावरफुल का मतलब है बहुत आसान से वीडियो को प्ले कर लेता है. ऑल इन वन सोल्यूशन, वीडियो चाहिए, ऑडियो चाहिए या ऑडियो और वीडियो को प्ले करना है, सब कुछ यहाँ पे ही हम लोग प्ले कर सकते हैं. और नेक्स्ट है एडवांस्ड ऑप्शन दैट कैन बी कस्टमाइज. जो मनपसंद ऑप्शन है वो भी एड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं.
देखो इसका एडवांटेजेस ओके. पहला है सपोर्ट्स मोस्ट मीडिया, मतलब कुछ भी फॉर्मेट हो, क्या भी फॉर्मेट हो आपका वीडियो ऑडियो फाइल, वो अलाउ करता है सपोर्ट करने के लिए ओके. देखते हैं ये मोस्ट मीडिया फॉर्मेट्स क्या होता है. मीडिया फॉर्मेट्स होते हैं डॉट MP3, डॉट GP, डॉट MP4, डॉट AVI, डॉट MKV. ये सब क्या है? ये सब फॉर्मेट्स है. क्या है? फॉर्मेट्स ऑफ मीडिया. फॉर्मेट्स ऑफ मीडिया. ये क्यों फॉर्मेट्स कहते हैं इसे? ये तो अलग अलग तरीके से वीडियो क्रिएट होंगे इस फॉर्मेट में ओके. हर एक फॉर्मेट में हर एक तरह से वीडियो क्रिएट होंगे, मगर एंड में तो हमें वीडियो ही दिखेगा. सोचो कि आप कैमरा से ले रहे हो, DSLR कैमरा से ले रहे हो, तब आपको ये फाइल्स MOV में क्रिएट होगा ओके. चाहे वो आप फोन से ले रहे हो, फोन से रिकॉर्ड करने से आपको फॉर्मेट वीडियो फॉर्मेट MP4 में होगा. और ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, ऑडियो रिकॉर्ड करना है GP में आएगा. और MP3 तो आप जो सॉन्ग्स और डाउनलोड कर रहे हो ना इंटरनेट से, सॉन्ग्स नया वाला सॉन्ग्स डाउनलोड कर रहे हो, वो सॉन्ग्स का फॉर्मेट है MP3. समझ में आया? सो ये सब डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं ओके. वीडियो और ऑडियो का फॉर्मेट्स है. ये सब क्या कर सकते हैं? हम लोग VLC में प्ले कर सकते हैं ओके. सो यही तो बता रहा है सपोर्ट्स मोस्ट मीडिया. मोस्ट मीडिया माने यहां से जो कुछ मीडिया है, ये फॉर्मेट्स है, उसे सपोर्ट करेगा. ऑलराइट. सो नेक्स्ट, प्लेबैक वेबकैम्स एंड डिस्क. अभी क्या क्या प्ले करता है? डिस्क में, डिस्क का भी प्ले करता है. डिस्क का मतलब डीवीडीज का भी वीडियो प्ले करता है, वीडियो ऑडियो प्ले करता है. वेबकैम का भी प्ले करता है ओके. और प्लेबैक का भी प्ले करता है. सो इट सपोज मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर डिवाइसेस, जो कुछ हार्डवेयर है, वेबकैम से रिकॉर्ड हुआ या डिस्क डीवीडी से रिकॉर्ड हुआ या प्लेबैक से रिकॉर्ड हुआ, सब कुछ को प्ले करता है ओके. एंड सपोर्ट्स ऑनलाइन स्ट्रीमिंग. स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है? प्लेइंग. स्ट्रीमिंग का मतलब है प्लेइंग ओके. सो सपोर्ट्स ऑनलाइन स्ट्रीमिंग. प्लेइंग को सपोर्ट करता है. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मतलब आप जो वीडियो डाउनलोड नहीं किए हैं और सिर्फ एक वेबसाइट में जाके आप वीडियो को देख रहे हैं ओके. तब क्या होगा? इंटरनेट स्पीड से वो स्ट्रीम करेगा, है ना, आपको प्लेइंग दिखेगा वीडियो. सो उसे कहते हैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग. जो कुछ आप वीडियोस ऑनलाइन पे देख रहे हो, उसे कहते हैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग. सो यही है VLC का एडवांटेजेस. अभी दूसरा देखते हैं, इसका नाम है पॉट प्लेयर. जस्ट लाइक VLC मीडिया प्लेयर, इसका नाम है पॉट प्लेयर. ये कहां पे डेवलप हुआ था? इट वॉज डेवलप्ड इन साउथ कोरिया ओके. और ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत पावरफुल है. इसका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही पावरफुल भी है ओके. ये तो रैंक्स सेकेंड VLC के बाद है ये. ऑलराइट. पहला वाला था फर्स्ट रैंक में VLC और ये है सेकेंड रैंक पे पॉट प्लेयर ओके. और इसका भी सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लेक्स है और पावरफुल है. ये हैवी फाइल्स को भी लेता है. हम लोग डिस्कस करेंगे हैवी फाइल्स क्या है ओके. ऑलराइट. अभी ये भी ऑल इन वन सॉल्यूशन है VLC के जैसे ही. यू कैन प्ले ऑडियो प्ले कर सकते हो, वीडियो प्ले कर सकते हो ओके. सभी मीडिया को प्ले कर सकते हो इससे. ऑलराइट. सो देखो नेक्स्ट इज इजीली हैंडल्स लार्ज फाइल्स लाइक Blu-ray वीडियोस. इजीली हैंडल्स उसका माने है जो करप्ट नहीं होगा. पहला करप्ट नहीं होगा और स्टॉप नहीं होगा बीच में, क्योंकि ये Blu-ray वीडियोस जो हैं, ये तो बहुत ही बड़ा फाइल्स हैं ओके. बड़ा माने एटलीस्ट 4 GB का होगा हर एक फाइल. ये तो बहुत हैवी हो जाएगा. सोचो कि सॉफ्टवेयर में आप हैवी फाइल्स डाल रहे हो, क्या होगा? सॉफ्टवेयर उसे कोप करना चाहिए ओके. यूज करना चाहिए और प्ले करना चाहिए. क्या होगा अभी Blu-ray पे? Blu-ray तो 4 GB का है और 4 GB से ऊपर जब वीडियोस होते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. सो क्या करेंगे हम लोग? अब
ये पॉड प्लेयर के साथ ब्लूरे वीडियोस को प्ले करेंगे. ऑलराइट, सो इसका एडवांटेजेस देखते हैं आज. पॉड प्लेयर का एडवांटेजेस क्या सब है? डिटेल्ड इंटरफेस. इंटरफेस का माने है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटर. डिटेल्ड इंटरफेस उसका माने है जो विंडो है, ट्रांसलेटर विंडो जो है उसका, वो बहुत ही डिटेल्ड होगा. डिटेल्ड माने आपको देखते ही आप लोग यूज कर सकते हैं, उतना आसान होगा. ऑलराइट, और ये भी सपोर्ट्स ऑनलाइन स्ट्रीमिंग. स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है? प्लेइंग. जो वीडियोस आप ऑनलाइन पे देख रहे हो उसे कहते हैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग. और बेटर हैंडलिंग ऑफ लार्ज फाइल्स, ये तो हम लोगों ने देखा था. वीएलसी तो हैवी फाइल्स में बीच बीच में स्टॉप हो जाएगा, मगर पॉड प्लेयर तो स्टॉप ही नहीं होगा. ब्लूरे फाइल्स, 4GB का फाइल्स भी आसान से प्ले करेगा. और कटिंग एज फॉर्मेट्स, ये दूसरा फॉर्मेट्स है, कटिंग एज फॉर्मेट्स को भी ये प्ले करेगा. ऑलराइट, सो देखते हैं लास्ट प्लेयर है. इसका नाम है मीडिया प्लेयर क्लासिक. इसका नाम है मीडिया प्लेयर क्लासिक. ये तो बहुत ही लाइट वेट है. लाइट वेट का मतलब वो सॉफ्टवेयर ही बहुत ही कम स्पेस में आ जाएगा, कुछ MB में आ जाएगा, 100 MB में सॉफ्टवेयर आ जाएगा. ओके, बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, सो इतना स्पेस नहीं लेगा हमारे सिस्टम के अंदर. ओके, सो इट्स वेरी लाइट वेट. लाइट वेट का मतलब है बहुत ही हल्का सा. ओके, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर्स. ये तो 2003 में लॉन्च हुआ था. ओके, ये 2003 में लॉन्च हुआ था, वीएलसी से भी पहले. ओके, मीडिया प्लेयर क्लासिक. और ये सपोर्ट्स ऑल द लेटेस्ट फॉर्मेट्स. ओके, सपोर्ट्स ऑल द लेटेस्ट फॉर्मेट. जो ये ओल्ड है मगर क्या करता है, हमें MP4 का भी सपोर्ट करता है, AVI का भी सपोर्ट करता है, सभी फॉर्मेट्स जो आज तक है वो सबका सपोर्ट करता है, क्योंकि अपडेट कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को इन लोग. ऑलराइट, सो ये बहुत ही आसान हो जाता है और ये बहुत सिंपल टू यूज है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ जाके फाइल में प्लेस करके प्ले करना पड़ता है उतना ही. वीएलसी जैसा, पॉड प्लेयर जैसा बहुत मुश्किल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है इसका सिस्टम. ओके, देखते हैं इसका एडवांटेजेस क्या क्या है. इंट्यूटिव. इंट्यूटिव माने देखते ही जान लेते हैं ये क्या करेगा, वैसा वाला मेनूस रहेगा. ओके, व्हेन यू सी एन आइकॉन यू विल एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट इज देयर इनसाइड इट. ओके, क्या करेगा ये आइकॉन क्लिक करने से वो भी देखते ही पता चलेगा, उसे कहते हैं इंट्यूटिव एंड ईजी टू यूज. जब देखते ही पता चल जाता है क्या करना है, वो आसान हो जाता है यूज करने के लिए, है ना. सो ये इंटरफेस कैसा है? इंटरफेस का मतलब है विंडो, ट्रांसलेटर विंडो. बहुत ही इजी हो जाता है क्योंकि देखते ही पता चल जाता है. और एक्सट्रीमली लाइट वेट, ये तो हम लोगों ने देखा था. क्यों ये एडवांटेज है? क्योंकि हमारा सिस्टम में जो स्पेस है वो बहुत कम स्पेस लेगा. ऑलराइट, और एडवांस्ड फीचर्स लाइक सबटाइटल. ये सबटाइटल तो आप सुने होंगे, कहां पे सुने हैं सबटाइटल? जब इंग्लिश मूवीज देख रहे हो, इंग्लिश मूवीज के नीचे हर एक चैनल पे जो वो लोग बात कर रहे हैं उसे इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, है ना, उसका मतलब है सबटाइटल. ये तो सभी फिल्म्स में होता है. जब कभी आपको वो जो लैंग्वेज में मूवी चल रहा है वो लैंग्वेज पता नहीं है, तो आप सबटाइटल यूज कर सकते हो. ऑलराइट, सबटाइटल का मतलब है जो डायलॉग्स मूवी पे जा रहा है वो डायलॉग्स नीचे आएगा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स. ओके, सो वो पढ़ के हम लोग समझ सकते हैं कि क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है. ऑलराइट, सो क्या करेगा ये एडवांस फीचर? सबटाइटल को सपोर्ट करता है और स्काइप कॉल का भी इंटीग्रेट करता है. हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो स्काइप कॉल करके दूसरों को भी दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. ऑलराइट, सो यही है मीडिया प्लेयर क्लासिक का एडवांटेजेस. सो चिल्ड्रन, व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम लोगों ने आज देखा था मीडिया प्लेयर्स कितना टाइप्स है. हम लोगों ने पॉपुलर 3 प्लेयर्स को देखा था और ये 3 प्लेयर्स विंडोज 10 से बहुत ही कंपैटिबल है. कंपैटिबल का मतलब इजीली यूज कर सकते हैं. ओके, ये तीनों ओपन सोर्स है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं. ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. अंटिल देन, बाय बाय.